छुट्टा पशुओं को लेकर नगर निगम द्वारा एक वर्ष से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। जो पशु सड़क पर घूम रहे हैं, जिनका कोई वारिस नहीं है, इसको लेकर नगर निगम उसकी सुरक्षा और रखरखाव की व्यवस्था कर रहा है। जब गोरखपुर में कान्हा उपवन नहीं बना था, उस समय नगर निगम द्वारा 2800 पशुओं को सरकार द्वारा बनाए गए मंजवलिया स्थित फार्म हाउस में भेजा गया और 50 लाख रुपए भी पशुओं के बेहतर सुविधाओं के लिए दिए गए थे। वहीं महानगर में कान्हा उपवन के अस्तित्व में आने के बाद वर्तमान समय में 650 पशुओं को रखा गया है। पशुओं के खाने पीने सहित स्वास्थ्य चिकित्सा की बेहतर व्यवस्था की गई। वहीं इस संबंध में महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया कि हर रोज हमारे वहां पशुओं को पकड़ने का काम चल रहा है। किसी तरह का हिंसक पशु अगर जनता को परेशान करता है तो हमें सूचना दें, हम उस पर तुरंत कार्यवाही करेंगे। साथ ही महापौर ने बताया कि जो पशुपालक दूध निकालने के बाद पशुओं को रोड पर छुट्टा छोड़ देते हैं, ऐसे पशुपालकों से जुर्माना भी वसूला जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, छुट्टा पशुओं के लिए एक साल से प्रभावी ढंग से अभियान चलाया गया है। शहर में जितने भी पशु हैं जिसका कोई वारिस नहीं है, सड़क पर घूम रहे हैं, नगर निगम उसकी सुरक्षा और रख रखाव की व्यवस्था कर रहा है। जब हमारे पास गोरखपुर में कान्हा उपवन नहीं बना था तो हम लोग जितने भी यहाँ पर पशु थे उसमें से 2800 पशुओं को हमने मधवलिया फार्म हाउस में भेजा है जो सरकार का है। 50 लाख रुपया भी दिया है हम लोगों ने और वहाँ पर उसकी बेहतर इलाज और सुविधाएं और उनके खान पान की व्यवस्था की गई है। यहाँ गोरखपुर में जो कान्हा उपवन कुछ दिनों में अस्तित्व में आया है उसमें 650 पशु वर्तमान समय में रखे गए हैं। इनके खाने पीने और चिकित्सा की पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर पशुओं को भूसा, चूनी और हरा चारा दिया जा रहा है। हरा चारा सब्जी मंडी और फल मंडी के व्यापारियों के सहयोग से प्रतिदिन 5 टन हमारे यहाँ आता है और यहाँ पशुओं को दिया जाता है। वहाँ पर एक चिकित्सक मौजूद हैं, 10-12 कर्मचारी नियुक्त हैं, उनकी बेहतर देख रेख हो रही है। कुछ समस्याएं हैं कि अभी सड़कों पर कुछ पशु दिखाई पड़ रहे हैं, हम लोग लगे हुए हैं। यहाँ से जैसे ही पशु मधवलिया में जाएंगे हम यहाँ पर और पशुओं को पकड़ करके उनको अपने सदन में लाएंगे, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पूरी तरह से पैक है और रोज़ हमारे यहाँ पशु पकड़ने का काम चल रहा है। किसी तरह का हिंसक पशु अगर कहीं पर आक्रमण करता है या बहुत जनता को परेशान कर रहा है तो उस जनता सूचना हमें दे, हम उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। सर, क्या पशुओं को चिन्हित हो जाने पे उनके जो मालिक हैं उनके जुर्माना भी वसूलने का कोई? जो पशुपालक हैं गैया को दूध निकाल करके सड़कों पर लवारिस छोड़ देते हैं, उन पशुओं को भी हम पकड़ करके लाते हैं और उन पर पहले भारी जुर्माना लगाया जाता था। हम लोगों ने आपस में तय किया कि पहले हम लोग इस जुर्माने की रकम को कम करें, पहले 10,000 लिया जाता था, हम लोगों ने उन मिनिमाइज करके 5,000 रुपया उसको कर दिया है। पहली बार पकड़ने जाने पर 5,000 है, अगर वही पशु दोबारा पकड़ा जाएगा तो 7,500 है, तीसरी बार पकड़े जाने पर उसको जेल भी जाना पड़ेगा, FIR भी होगा और 10,000 जुर्माना लिया जाएगा। इस तरह की व्यवस्था की गई है। हम पशुपालकों से
निवेदन करते हैं कि अपने पशुओं को दूध दुहने के बाद सड़कों पर न छोड़ें, जिस न छोड़ करके नगर निगम पर एहसान करें, यहाँ की जनता पर एहसान करें और उसको अपने तबेले में ही रखें, तो यह बहुत बड़ा सहयोग नगर निगम के लिए होगा, मेरा आग्रह है इनसे।